तो जय सेवा, जय गोंडवाना। गोंडवाना अली यशवंत दर्शन स्वच्छ मार्गदर्शन गोतक जी। मुझे एक अवसर दिया इसमें फेसबुक में आने की। मैं गोंडवाना दर्शन की सभी दर्शकों को आभार प्रकट करना चाहता हूँ। गए हफ्ते 8 बजे हमने प्रयास किया, सफल नहीं हो पाए। 1 घंटे के बाद सफल हो पाए, लेकिन बहुत से लोग इससे बाहर गए थे। तो मैंने आज के दिन आपके सामने आने की बात रखी, तो आज आप इसका एक अवसर दिए, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूँ। एक अवसर मुझे ऐसा लगता है, भारत की गौंडों के साथ अपने आप को बीदर में मैं कॉलेज में प्रिंसिपल था और मैसूर विश्वविद्यालय से मैं पीएचडी कर रहा था। और बीदर की अपनी घुमंतू समाज, राजगुण समाज, उनके जरिए मैंने आदिलाबाद की गोंड समाज को समझने की एक प्रयास किया और मैंने उनके साथ जर्नी किया। राजगोंड समाज के ममला जी मेरे साथ थे। उस समय हमने आदिलाबाद की उतनूर की ओर हम गए थे और वहाँ पर फील्ड वर्क में बहुत कुछ हमें जानकारी मिली, जैसे कि भीमल पेन और वहाँ की अपने गढ़ किला जो थे उटनूर की। उसके बाद वही समय में हमें मिला कि नागपुर में साहित्य तो बहुत कुछ कॉन्फ्रेंस सभी देखने के बाद चल पड़े, क्योंकि एज ए रिसर्चर मुझे जानकारी होनी, तो मैंने 1990-91 में नागपुर गया। सम्मेलन था, बहुत भीड़ थी, बहुत लोग थे, पूरा भारत चिंतक वहां पर मिले। उस समय तो मेरा ज्यादा किन्हीं से भी परेशान तो नहीं था, ऑडियंस के जैसा मैंने गया था और समझने की कोशिश, लिटरेचर मिलता था वो सभी लिटरेचर देखा खरीदा। उसी समय पहली बार मुझे गोंडवाना दर्शन की दर्शन हुई मैगजीन की, और पता चला कि सुनील सिंह ताराम जी इसको चलाते हैं और उस साहित्य सम्मेलन की मंच मुझे फीडबैक हैं, लेकिन मेरा बात मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। मैं कह रहा था कि 1999 में जब मैं नागपुर पहुंचा तो जी का दर्शन
उसी समय बहुत सी किताबें मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि समाज की है चाहिए। मेरा सौभाग्य था मुझे मराठी भी आती थी और हिंदी, तो हिंदी के बहुत से लिटरेचर वहाँ पर मुझे मिलने के बाद मैं उसे भी और बहुत खुश हो गए उस दिन। ये उन्हें बहुत आश्चर्य लगा और बहुत खुश हो गए, और मेरे साथ गोंडी बोलने वाले ममला जी आए थे तो गोंडी में बोले तो बहुत खुश हो गए। तो मेरा पीएचडी की काम तो चल रही थी, मैं बहुत से बाद में उसका सब्सक्राइब भी किया मैं गोंडवाना दर्शन की, तो रेगुलर मुझे गोंडवाना दर्शन आती थी, भारत की विचार उसमें पढ़ने को मुझे मिलता था। और जब मैं पीएचडी की काम समय मैं बीदर के आदिवासियों को, गोंड आदिवासियों को लेते हुए मैंने मेरा पीएचडी किया, तो उसमें जनवरी 1995 की अंक में, गोंडवाना दर्शन के अंक में मेरा एक लेख छपा। वो लेख को पढ़ के पूरा भारत के अपने समाज के चिंतक लोग मेरे साथ पत्र व्यवहार करने शुरू कर दिए कि कर्नाटक में भी अपने लोग हैं, और मुझे भी लगा कि भारत के इतने राज्यों में अपने समाज के लोग हैं। ये सभी जानकारी मुझे गोंडवाना दर्शन से लगी, तो मैं निरंतर उसको मेरा भी रखने लगा पत्र व्यवहार से। उस समय तो छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से बहुत से चिंतक लोग पत्र लिखते थे, मैं उनको रिप्लाई करता था। पत्र व्यवहार से ही अपने एक कांटेक्ट थी। बाद में हमने मैं कन्नड़ विश्वविद्यालय 1996 में ज्वाइन हो गया, तो उस समय हुआ ताराम जी जहाँ पर मैं हम वो समय तो अभी टेलीफोन भी अच्छी तरीके से नहीं चल पाती थी, अपना विचार तो आने के बाद बहुत खुशी, बहुत तो इंटरेस्ट हम्पी विजिट की और पूरा कर्नाटक के बारे में, अपने समाज के बारे में जानकारी पाए। बहुत एक फैमिलियर हमारा रिश्ता बन गई, और बाद में मैंने उनको भेंट करने के लिए एक बार मैडम उषा किरण आतराम जी काम करते थे अहेरी में शायद, मैं ट्रेन से जाके उन 44 जी अभी बहुत छोटी थी उस समय, तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलकर और वहाँ के सभी अपने समाज को मिलकर। तो हमारा कर्नाटक की अपने समाज की और पूरा भारत की अपने समाज को जोड़ने की जो काम थी गोंडवाना दर्शन लगातार करने लगी, और जहाँ भी साहित्य सम्मेलन होती थी तो वो आह्वान करते थे और मैं पहुँचता था, अपना विचार मैं कर्नाटक की रखता था। ये ऐसा ही सिलसिला होने लगी। मैं कन्नड़ विश्वविद्यालय में ज्वाइन होने के बाद बहुत से लोगों को कन्नड़ विश्वविद्यालय की सेमिनार में आए, अपने विचार रखे पूरा भारत के, तो इस ढंग से अपने समाज के साथ, जैसा कि मसराम मनोहर जी, नागोराव जी, इनके बारे में सुनता था, श्रीडम आरजू जी, ये इनके मेरा
रिश्ता होने के बाद बारे में जानकारी देते जाता था और वहाँ की जानकारी मैंने प्राप्त करते रहता था, और जहाँ भी समस्याएं हैं उन समस्या को ये टेक्नोलॉजी की समस्या है, हम उसको उसके साथ चलना है। बार बार हाथ दे रहा है क्योंकि कंप्यूटर में नहीं आ पाई, लैपटॉप में, तो मोबाइल में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो थाराम जी और आत्राम जी, उषा किरण आत्राम जी, और एक बार कर्नाटक जब वो विजिट किए थे उस समय मैं 2-3 बार उनको बुलाया था। गोंडी साहित्य सम्मेलन भी हमने किया था बीदर में, उस समय भी आए थे और मैंने उनको हरिहर की अपनी राजगुंड बस्ती को लेके गया था, बीदर की राजगुंड बस्ती को लेके गया था। तो हो गया और हरिहर की गहनी लाल सिंह के एक लेख लिखा अपने में, फोटो आई और वो इतना कर्नाटक की अपने समाज को एक बूस्टिंग दिया वो लेख। गहनी लाल सिंह 124 साल जीवित थी, गवर्नमेंट की कोई मेडिसिन नहीं ली थी, बेचते ही अपने 114 साल तक वो अपना जीवन व्यतीत की थी। बाद में थोड़ा कमजोर बस्ती में रहती थी और उनके लीडरशिप में हरिहर की राजगुंड की एक बस्ती बनी। और उनके बारे में ये जो लेख थी, ये लेख अपने गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक को हमने बता के उनको कर्नाटक की बहुत बड़ा एक अवार्ड उनको दिलाने में बहुत बड़ा एक सफलता मिली। साथ ही साथ कर्नाटक को और अलग अलग राज्यों को जोड़ने की जो काम थी गोंडवाना दर्शन ने बहुत भरपूर और बहुत साइंटिफिकली वो किया, ये मुझे बहुत गर्व से बोलने की बात है। उसके बाद हमने 2016-14 में हमने उस समय ऑलरेडी सुब्राम सिंह ताराम जी बात करके स्टैंडर्ड यानी कि गोंडी को 8वीं अनुसूची में ले जाने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी बनाना ऐसा एक सोच लेते हुए सुब्राम एक वर्कशॉप उन्होंने दिल्ली में किया, तो उस समय मुझे भी आह्वान थी तो मैं दिल्ली गया था। उसके बाद दूसरी जो वर्कशॉप थी हमने कन्नड़ विश्वविद्यालय में आयोजन किया भारतीय भाषा संस्थान साथ मिलके। उससे पहले 2009 में भी हमने एक गोंडी साहित्य सम्मेलन, उस समय बहुत से लोग पूरा भारत के ताराम जी को हमने एक अवार्ड भी उस समय दे दी, और मोतीरावण कंगाली जी उस समय विशेष वक्ता थे। तो 2014 में बहुत बड़ा एक पूरा भारत को चीज़ हमारे सामने आई, गोंडवाना ये डिक्शनरी की जो है उसका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डिक्शनरी का जो वर्कशॉप था अगस्त 24-29, हमने 24-28 तक अगस्त डिक्शनरी को बनाने में हमने वर्कशॉप किया और लास्ट डे हमने एक फील्ड वर्क हमने और क्षमा चाहता हूँ मैं ये दिक्कतें आ रही हैं। तो 2014 की जो बात मैं कह रहा था कि जो फील्ड वर्क थी उस फील्ड वर्क में पूरे अपनी टीम सेंचुरी की ऊपरी हिस्से पर एक रॉयल एम्ब्लम रॉक पेंटिंग में उसको बताने के लिए मैंने पूरा टीम लेके गया था, बहुत कुछ लोग हिस्सा लिए थे।
सब राज्य चकित हो गए कि गोंडवाना की ये राजसिंह हाथी के शेर के सवार ये ऐसा जंगल झाड़ी में पहाड़ में कैसे आई हमें। लेकिन ताराम जी कहते थे पूरा हम्पी ये पूरा अपना ही रॉयल एम्बलम बता रहे हैं, तो ये तो पूरा अपना गढ़ है ऐसा वो बताते थे। तो मैं और पहचानने की विजयनगर साम्राज्य जो है उसकी जो संस्थापक थे उनके नाम थे हक्कगोंडा बुक्कुगोंडा। हक्कगोंडा बुक्कुगोंडा हकराय बुकराय बन गए, राजा होने के बाद राय बनते हैं। तो उसकी जो तो सलामे जी शेरा महादेव जी सभी ऊपर थे, लिपियां हैं उनको देख के सॉरी ये मुझे तो तकलीफ दे रहा है। इसके बजाय और कोई आपसे आए तो ठीक होता था से मुझे लगता है। ये पहली बार मैंने फेसबुक में आया लेकिन बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैं ये कह रहा था कि हम्पी में जो चित्रलिपियाँ हैं उस चित्रलिपियों को बताने के लिए पूरा अपने में डिक्शनरी के जो आपके चिंतक हमने लेके गया तो उसमें सलामे जी ऊपर तो आए लेकिन नीचे आने निकलने में बहुत दिक्कत हुई उनको, एकदम बीपी ज़्यादा हुई थी और थोड़ा समाधान करके बाद में हमने नीचे आई। लेकिन सलामे जी वहीं पर वो बता दिए कि ये तो पूरा गोंडी की ही लिपियां हैं और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को वो बिलोंग करते हैं या उसको दर्शाते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हो गया क्योंकि वो लिपियां मैं 10 साल पहले ही देखा था लेकिन ये गोंडी की लिपि है मुझे मालूम नहीं था। तो उन्होंने मैं अपनी लड़की सहना भी उसको अपने पेपर में 4-5 ऐसा लिख के अपने कंगाली साहब को बताने के बाद वो भी ऑन द स्पॉट बता दिए कि ये तो सैंदवी लिपि है। बहुत खुशी हो गई और लोकल लोग सभी एकदम परेशान हो गए कि ये सैंदवी लिपि है और पत्रिका में भी उसके बारे में जानकारी आई और बहुत दूर से भी कुछ लोग आए, दिल्ली से आए, बॉम्बे से आए, उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन भी किए पत्र में यानी कि जर्नल हैंग होता करते हैं। तो बाद में कंगाली जी और सलामे जी उसका एक लेख भेज दिए और वो ने उसको दी। वो वन्य चित्रलिपि थे, हमें बहुत खुशी हो गई। उसमें बहुत पुरानी यानी कि कर्नाटक की जो चीज़ हमें मिले अपने इस तरीके से मैं उसको व्याख्यान करना चाहता हूँ कि ये कोटम्बा जो वहाँ की मदर डेटी है पहली चित्र कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश ये एरे में जो है ये खंडोबा की जो कल्ट है वो खंडोबा की कल्ट को ये बोलते हैं। खंडोबा तो पुरुष के नाते हम देखते हैं लेकिन वास्तव में वो स्त्री के नाती थी नाते ही होगा ऐसा मुझे लगता है। और ये खंडोबा जो है अपने कर्नाटक के जो बड़े बड़े चिंतक हैं जैसा शंबा जोशी वगैरह वो बताते हैं कि ये विंध्याचल से नीचे आ गए और पूरा दक्षिण में। तो ये वास्तव में ये डाइटी क्या है, खंडोबा क्या है, मैलार क्या है और इसकी जो स्लोगन है कोट क्या है, कोट दर्शन जैसा गढ़ दर्शन कोट दर्शन अभी गोंडी में कंगाली जी जो लिखे हैं ये तो अपने गढ़ थे
तो उस समय की ये गढ़ भी था और मदर डेटी वहाँ पर थी। तो गोंडी की ओर से इसको देखा जाए तो ये कल्ट वहाँ पर थी, और उसके बाद में वो पूरा भारत में, दक्षिण भारत में अलग अलग नाम से वो बढ़ गई। जैसा मैलार अलग नहीं है, मल्लिकार्जुन अलग नहीं है, बीरोबा अलग नहीं है, विठोबा अलग नहीं है, ये दक्षिण की पशुपालों की बहुत बड़ा एक डाइटीज़ है। तो गोंडों से टूट के यानी कि फ्रैक्शन कम्युनिटी आने लग होती है, कोया है, इसकी अलग अलग जो व्याख्यान है, माँ की पेट उधर ही जो बोलते हैं। तो गुफा नारवेन जी उसके बारे में, हम सभी तो पहले गुफाओं में थे और गुफाओं में अपने देव देवताओं को पेन को देते थे। करीबन 100-150 लोग तो कुछ जो 19 लिपियां हैं, चित्र लिपियां हैं, उसमें ये दर्शाया गया है कि वहाँ पर रात में बकरी के साथ अपने आदिवासी रहने की जगह है और सुबह और वो अपना बकरी के साथ वहाँ पर जाने का जो है वो, और साथ ही साथ उसके सामने कुलन मार्केट है, ये चीज़ें वहाँ पर है। तो समय ऐसा है कि बहुत बड़ा एक स्टेज है कि पशुपालन, हंटिंग के बाद पशुपालन एक बहुत बड़ा स्पेस है, उस समय की ये चित्रलिपियाँ हैं इसको ये क्लियर कर सकते हैं। डिक्शनरी बना, लोकार्पण दिल्ली में हुआ, से लोगों की पूरे राज्य के अलग अलग राज्यों से इसमें, शैताली जी, रमेश कासा जी, ये तो पूरा अपने आप को समर्पण कर लिए ये काम में, और हर सनोई के जी हैं, हाके जी हैं, सुशीला धुर्वे जी हैं, श्रीराम पूजा सिंह मरकाम जी हैं, उषा किरण आतराम जी हैं, सुनील सिंह ताराम जी हैं, मोती रावण कंगाली जी, उनकी देहांत होने से पहले पूरा इसके साथ जुड़े हुए थे। जो पूरे से इसमें जोड़ के ये डिक्शनरी को बनाने की कोशिश की, और ये डिक्शनरी नहीं है, पूरा अपने चिंतकों की एक यूनिटी, और इसमें में हम जब तो कासा जी और शताली जी हमारे यहाँ थे, लगातार वो काम करते थे और उसको एक एक बना रहे, हाँ अंतिम एक, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी अच्छी तरीके से टाइप नहीं कर पाते, हिंदी टाइप करने वाले कोई नहीं थे, तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको एक माहौल दे दिया। और कन्नड़ सिद्धरामानंदापुरी स्वामी जी का सहयोग से अंतिम एक वर्कशॉप भी हुई टिंतनी में, साथ ही साथ अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभा की सम्मेलन भी हुआ। पूरा भारत की अपने समाज को कर्नाटक के दर्शन इस ढंग से हुआ। मैं लिपि को लेते हुए और कुछ विचार यहाँ पर रखना चाहता हूँ। ये गोंड तो उसमें एक टीम मैंने हम्पी को बुलवाया था, तो वो मेरे साथ थे, घर में भी थे, उनको मैंने ये दो जगह लेके गया था हम्पी में। एक तो जहाँ पर वाली कास्ट है वहाँ पर, और एक जहाँ पर अपने गोंडी डिक्शनरी की टीम विजिट की थी कोटम्बा की जो केव है वहाँ पर,
वो दोनों भी देख के बहुत खुश हो गए और वो बताए, ये तो सभी अपने गोटुल सिस्टम में ही मिलता है देखने को। जहाँ पर वाली कास्ट था, वाली कास्ट के पास के जो लिपियाँ थे, वो लिपियाँ गोटुल में पाए जाते हैं तो बताया। वो ये वही पत्थर है, यहाँ पर वो चित्रलिपियाँ हैं और ये वही केव है, यहाँ पर कोटम्बा आपको देखने को मिलता है। तो ये बहुत आश्चर्य हुआ और वहाँ पर वो पढ़ रहे हैं ये चित्र क्या दर्शाता है। वो बता रहे थे कि इसके नज़दीक में ही एक पानी का झरना है, बड़ा पानी का झरना है, तो वहाँ तो तुंगभद्रा बह रही है। तो इससे इस पार कुछ लोग चले गए, इस पार के उस पार कुछ लोग हैं, ये सब जो बता रहे थे। और ये पूरा पशुपालन के लोग यहाँ पर रहते थे, वो दूध की जो हांडी है उसके सभी चित्र को बता रहे थे। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। और वहाँ की जो वाली कास्ट है, वो वाली कास्ट को अभी बताते लोग कि सुग्रीव वालियों की जो युद्ध हुई थी उस समय, वाली मरने के बाद उसको जला दिए और उसकी जो हड्डियां हैं अभी पड़े हैं, उसको कोई लेके जाएगा तो वाली उसके पास साथ आएगा, इसलिए कोई नहीं लेके जाते, वो वहीं पर पड़े हैं उसकी हड्डी बोल के। ये तो गलत है, ये तो मिथ है, लेकिन वास्तव में क्या है, ये वहाँ पर पशुपालक ज़्यादा थे और वहाँ पर ये जो होली है, होली के दिन वहाँ पर बहुत से लोग मिल के होली जलाते थे। वो उसकी जो आउटपुट है वहाँ पर हमें मिलता है, वो क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ के जो संकेत हैं, बहुत एज ओल्ड जो संकेत हैं, उसे भी गोंडों के हैं, वो क्लियर हो गई। साथ ही साथ पूरा दक्षिण भारत में आप कौन सा भी टेम्पल में जाए तो टेम्पल में रॉयल एम्बलम ऑफ गोंडवाना आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ के हिस्टोरियंस को हम पूछे ये क्या है, तो वो तो बोलेंगे ये याली है या शुभ संकेत है, इतना ही बताते हैं। ये रॉयल एम्बलम ऑफ गोंडवाना है ये नहीं बताएंगे। अभी मुझे पता चला शॉर्टली कि महारानी दुर्गावती की जो कोर्ट है वहाँ पर रॉयल अपनी जो शंभू शेख की, यानी फरसा पेन की जो अपने या अपना समाज की जो एम्बलम है वहाँ पर मिला है। ये शायद वो सभी कोर्ट से भी गिरा था, अभी उत्खनन करने से वो मिला, बहुत खुशी हो गई। और हमने छत्तीसगढ़ में एक बार एक सम्मेलन गए गए थे तो वहाँ पर भी वैसे ही चित्र हमें मिले थे। तो शायद पुरानी जो अवशेष हैं, अवशेष में अपने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अपने हिस्से वहाँ पर दर्शा रहे हैं, वो क्लियर हो रहा है। और साथ ही साथ कर्नाटक में 300 से ज़्यादा गांवों के नाम गोंड से जुड़ता है, जैसा भैरगोंडनहल्ली, तिप्पगोंडनहल्ली, वीरगोंडनहल्ली, बामागोंडनहल्ली, ऐसे गांवों के नाम, 300 से ज़्यादा गांवों के नाम हमें गोंड नाम से जुड़ा जाता है। तमिलनाडु में मालागोंडाना बेट्टा बोलते हैं, माला बोले तो भी वही अर्थ होता है, गोंडा बोले तो भी वही अर्थ होता है, बेट्टा बोले तो भी वही अर्थ होता है। माला यानी के पहाड़ होता है, गोंडा भी पहाड़ होता है, बेट्टा भी पहाड़ी होता है। तो तीन कल्चर वहाँ पर तीन नाम दिए ऐसा मुझे लगता है, लेकिन कोई नाम को भी वो डिस्कार्ड नहीं किए, माला भी रहा, गोंडा भी रहा और बेट्टा भी रहा। तो इसके ये पहाड़ों के नाम में ही तीन तीन कल्चर की जो पहचान है वहाँ पर बचा है वो क्लियर होती है। और मैंने अभी शॉर्टली मैंने कुछ पढ़ रहा था तो उसमें ये पारा जो शब्द है, पाड़ी पाड़ी जो शब्द है, ये पाड़ी शब्द से हमारे यहाँ लोकेशंस हैं। जैसा अभी कोई राजा रहता है तो राजा के नाम से एक, जैसा विजयनगर है तो विजयनगर नाम से इतना एरिया बोलते, हमारे यहाँ पहाड़ी नाम से जाना जाता है। यानी कि पहाड़ी तो शादी करने के लिए हम जैसा क्लैन बोलते हैं वैसा,
ये पहाड़ी शब्द कहाँ से आई? दक्षिण में तो हम पहाड़ी शब्द आज जो हम यूज़ नहीं करते, लेकिन पहाड़ी शब्द तो गोंडी में मिलती है, वो तो क्लैन है। तो एक कोई एक क्लैन का एक जोन था, वो रूल करते थे, तो वही नाम से उसको पहाड़ी, गंग पहाड़ी ऐसे कुछ नाम हम दक्षिण में मिलते हैं। तो दक्षिण में जैसा अभी गुस्तव ओपर्ट ने लिखते हैं, और 1881 सेंसस में गोंड नाम से अपने आप को दर्ज हुआ बहुत से पॉपुलेशन दक्षिण में मिलता है, केरला में मिलता है, कर्नाटक में मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है। आगे आते आते वो स्लोली गोंड नाम वहाँ पर दर्ज नहीं हुआ, पॉपुलेशन कम हो गई और अलग अलग नाम से दर्ज हो रहा है। तो वो कहाँ गए वो गोंड? उनकी जो पहचान है, पहचान पूरा नदी में मिलता है, पहाड़ में मिलता है, गांव में मिलता है, उनके सरने में मिलता है। जैसे बहुत से लोगों के नाम अपने आप को गोंड से, अभी हमारे यहाँ लाल गोंड समाज है, लाल गोंड समाज के इसमें नाम ऐसे लिखते हैं कि भूस गोंडा। भूस गोंड क्या होता है? भूस यानी के सांप भूस बोलता है ना, वो भूस जो शब्द बोलता है वो प्राकृतिक है, तो वही नाम से उनका नाम भूस गोंडा बोलते हैं, मालगोंडा बोलते हैं, कलगोंडा बोलते हैं। तो ऐसे अपने आप को अपने नाम के साथ गोंड को जुड़ा हुआ बहुत से समाज में, ये आदि बणजिक में भी मिलता है, कुरबा में मिलता है, लाड़गोंडा में मिलता है, कूड वक्कलिगा में मिलता है, ऐसे बहुत से जो समाज हैं अपने कर्नाटक में, वो समाजों में अपने आप को अपने नाम के साथ गोंड को जोड़ के ही बोलते हैं। जैसा अभी अगर कोई एक समाज रड्डी समाज है, तो वो अपने आप को क्या बोलेगा? कल रड्डी, मल रड्डी, अपने नाम के साथ रड्डी जोड़ जाएगा। अगर वो मुस्लिम समाज के हैं तो साहब ऐसा बोल देगा, फकीर साहब, वो साहब, ये साहब, ऐसा। तो गोंड समाज के लोग अगर ना होते तो अपने नाम के साथ गोंड क्यों जोड़ लेते, एक प्रश्न आती है। आज भी अपने आप को वो गोंड नहीं बोलेंगे, हम लाल गोंड बोलेंगे, या कूड वकीलगा बोलेंगे, या कुरबा बोलेंगे, या आदि बणजिका बोलेंगे, या अलग अलग राज्यों में, तमिलनाडु में ऐसे 24 कम्युनिटीज़ हैं, वो अपने कम्युनिटी के साथ ही गोंड को जोड़ा हुआ है, अपना समाज के जो नाम रहता है उसके साथ गोंड 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 जुड़ा हुआ रहता है, या गौड़ जुड़ा हुआ रहता है, या गौंड जुड़ा हुआ रहता है। वो सभी भी ओबीसी में गिने जाते हैं, और उनको ये मालूम नहीं कि ये शब्द क्यों आए हमारे यहाँ। हिस्टोरियंस तो बताते हैं कि ये तो एक विलेज का हेड को गोंड बोलते हैं या गौड़ बोलते हैं। कर्नाटक में आधा जो कर्नाटक है उसमें तो अपने आप को गौड़ के नाम से बोली जाती है। जैसा भी हमारे प्रधानी थे देवेगौड़ा जी, वो समाज के लोग पूरा आधा राज तो अपने आप को गौड़ के नाम से बोलते हैं। ये गौड़ समाज को हम पूछे कि आपका क्या हिस्ट्री, तो बताएंगे बेंगलोर का जो राजा था केम्पेगौड़ा, उनके वंशज हमें उतना ही बताएंगे, उसके पीछे की हिस्ट्री नहीं बताएंगे। तो ये अंदर कोई फेमस हो गया तो वहीं से अपने आप को अपना समाज की हिस्ट्री बता रहे हैं, वास्तव में उसकी जो जड़ें हैं वो गोंडी में देखना है। जैसा अभी मैं भाषा को लेते हुए बताना है तो कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, अपना कर्नाटक के तुड़ू में, और बहुत से आदिवासियों की जो भाषाएं हैं, द्रविड़ भाषाएं हैं, वो सभी भाषाओं में गोंडी के शब्द मिलते हैं। उन्हें पूछा जाए तो ये नहीं बताएंगे कि ये तो हमारा भाषा है, इतना ही बताएंगे वो, लेकिन उसकी जड़ें जो हैं वो सभी गोंडी में हैं। अभी परिस्थिति ऐसा है कि यहाँ पर अभी गोंड समाज ज़्यादा अपने आप को पहचानती है और गोंडी बोलती है, वो तो हिंदी एरिया में जकड़ा हुआ है, या मराठी एरिया में जकड़ा हुआ है, तो वहाँ की गोंडी अभी ख़त्म हो रही है, या बंगाली एरिया में
जकड़ा हुआ है। तो वहाँ की जो स्टेट लैंग्वेज है, हर स्टेट की ये समस्या है। कर्नाटक में कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिलनाडु तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में मलयालम है, केरला में और तमिलनाडु में तमिल है। तो अपने अपने राज्य तो हो गए, लेकिन गोंडी को ऐसा कोई सेल्टर ही नहीं है। और जहाँ पर बोली जाती है वहाँ पर तो अलग भाषा अभी राजभाषा हो चुकी है, तो भाषा बचाना बहुत दिक्कत है। जहाँ पर जंगल झाड़ी है वहाँ पर बचा हुआ है, और जहाँ पर जंगल झाड़ी से बाहर आ रहे हैं तो स्टेट लैंग्वेज अंदर आ रहा है, नेशनल लैंग्वेज अंदर आ रहा है और इंटरनेशनल लैंग्वेज भी अंदर आ रहा है। तो स्लोली अपने आप को हम अपना भाषा खो ले रहे हैं। अगर गोंडवाना एक राज्य होती तो बस्ती थी। आज की परिस्थिति ऐसा है, हम बहुत कुछ खोए हैं और भी खो रहे हैं। उसको प्राप्त करना बहुत प्रयास की बात है ऐसा मुझे लगता है। गोंडवाना दर्शन और गोंडी डिक्शनरी जैसे अभी जो काम कर रहे हैं अपने आप को, कि और हम अपने समाज को भाषा के जरिए, अपने संस्कृति के जरिए वापस देखना है। ये बहुत बड़ा काम आज की जो साहित्यकार हैं, संगठक हैं, जैसा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी है, ये सभी इसमें जुड़े हैं कि अपनी पहचान को बचाते हुए ही अपना विकास करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस ढंग से हम प्रयास तो करना है, लेकिन पूरा भारत को हम समझाना, भारत की संविधान में हम आना, ये बहुत उतना ईजी बात हमें नहीं लग रहा। क्योंकि अभी हमारे कुलस्ते साहब तो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, फिर भी वो प्रयास भी कर रहे हैं एक बिल लाना सेंट्रल में और इसको 8वीं अनुसूची में ले जाना, जैसा हमने संपत्ति या वीकेजीबी को मिले थे। और दिल्ली में अपने सभी एमपीज़ होने के बाद एक कार्यक्रम भी किए, तो उस समय भी इस बारे में हमने अवगत की पूरे भारत की समाज, अपने समाज। लेकिन इस ढंग से जिस तरीके से भारत सरकार में ये बात रखना है वो नहीं हो पा रही, ऐसे मुझे लगता है। ये भी मुझे ऐसा लगता है कि एक ही समाज को हम लेते हुए इसके बारे में हम सेंसिटाइज किए तो भी नहीं होगा। 2004 में ऐसे बहुत समाज की भाषाओं को आरटीओ अनुसूची में ले जाने के लिए एक प्रयास हुई है, एक कमेटी थी। तो उसमें जितने कम्युनिटी की रिकमेंडेशन हुई हैं भाषाओं की, उसको हमने प्रेजराइज किया, ये सभी समाज के आदिवासी समाज को एक फोरम बना के हम सभी मिलके अपनी जो भाषाएं, अपनी जो पहचान है, इसको हम आरटीओ अनुसूची में ले जाने के लिए एक प्रेजर ग्रुप बनाया जाए तो हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा प्रयास आज तक नहीं हो पाई। तो इसके लिए, ऐसा प्रयास करने के लिए एक प्रयास ऐसा हुआ है, अपने धर्म कोड को लेते हुए बहुत से राज्यों की चिंतकगण, अलग अलग आदिवासी चिंतकगण इसमें जुड़े थे और उसकी प्रयास, भरपूर प्रयास भी किए हैं। लेकिन मुझे ऐसा ही एक काम अगर इसमें हो जाए, यानी कि भाषा के ऊपर हो जाए, जैसा धर्म कोड को लेते हुए अभी प्रयास हुआ है, अगर वही टीम इसमें जुड़ जाए, यानी कि भाषा की टीम में जुड़ जाए, और जितने भी चिंतक हैं, अपने अपने भाषा की चिंतक हैं, उनका एक फोरम बन जाए, और भारत सरकार को या राज्य सरकार से अगर रिप्रेजेंटेशन जाना है तो राज्य सरकार से भारत सरकार में इसको प्रेजर ग्रुप बना के 8वीं अनुसूची में इसको ला सकते हैं। अगर ये नहीं हो पाई तो आगे आने वाले दिनों में अपना भाषा को संरक्षित करना बहुत बहुत कठिनाइयाँ आने वाली हैं। क्योंकि अपनी भाषा में अपने बच्चों को शिक्षा तो हम नहीं दे पा रहे, और बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं, जितने पढ़े हुए हम लोग हैं, हम लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचाना बहुत बड़ा चैलेंज है। हम बोलते हैं लेकिन बचाना बहुत बहुत चैलेंज है, क्योंकि हम वहाँ से बहुत कुछ आगे बढ़ चुके हैं अपनी संस्कृति, अपनी भाषा से, भाषा को छोड़ के, यानी कि अलग अलग जो भाषा है, अलग अलग जो संस्कृति है, उसको बहुत कुछ हमने
अपने अंदर हम ले लिए हैं। इसलिए अभी आज भी जो भी बचा है भाषा या संस्कृति, तो अपने जो अपने आप को हम बोलते हैं उनको अनपढ़, लेकिन वो बहुत कुछ अपने समाज के बारे में जानते हैं और वो अपना संस्कृति को बचाए रखे हैं। तो ऐसे जो जोन हैं उनको प्रोटेक्ट करना और रिवाइल होना है तो हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारा मास्टर वो होना चाहिए और उनको हम सपोर्ट करना चाहिए तो ही हो पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसे जितने भी जोन से पूरा भारत में हर आदिवासी की जो भाषाएं हैं, वो भाषा के जो चिंतक लोग हैं, तो उनका एक फोरम बन जाए और एक प्रेजर ग्रुप हो जाए तो शायद ये सक्सेस होगा, ऐसे मुझे लगता है। और अभी भाषा के बारे में भी हमने अपने आप को दर्ज करना है 2021 की जनगणना में, तो एक 2021 की जनगणना में एक तो अपनी धर्म कोड अगर नहीं है तो भी अपना जो समाज है वही अपना एक धर्म है, ऐसा बोलने में कोई दिक्कत नहीं हुई, ऐसा मुझे लगता है। मैं अगर गोंड हूँ तो मेरा गोंडी ही धर्म है, और एक कोई भील है तो भील ही अपना धर्म है, ऐसा बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, वो आदर्श में आएगा, आने दो, लेकिन अपना पहचान तो हम रखे हैं। ऐसा ही हुआ है, पूरा पिछले जितने भी सेंसस हुए हैं अपने आप को वैसे ही वो बता दिए हैं, कहीं कोई तुरु बताए हैं, कहीं गोंड बोले हैं, कोई अपना अपना समाज की, अपना जो समाज है वही हमारा ही भाषा है, अपना ही एक धर्म है, ऐसा बताएं, वैसे आंकड़े हमें मिल रहे हैं। अगर एकजुट से अगर एक शब्द के ऊपर हम नहीं आएंगे तो अपना आइडेंटिटी तो हम रखना है अपने सेंसस में, तो ये तो काम होना है। अगर हो सकता है एक ही हमें एक मिलता है कोड, तो वो कोड में हम जाएंगे, अगर नहीं कोड नहीं देगा तो आदर्श में भी हो, लेकिन हमारा रिकॉर्ड तो होता है, गोंडी भाषा है और गोंडी धर्म है, या कोई तुर धर्म है गोंडी भाषा है, ऐसा हम बता सकते हैं, या अपना अपना जो भी हैं वो सभी अपने आप को ऐसा ही अपना आपको दर्ज करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी ये जो सिचुएशन है इसमें हम सेंसिटाइज करने की बहुत इम्पॉर्टेंट एक ये है कि अभी तो कोरोना आई है, कोरोना में हम अच्छी तरीके से जुड़ नहीं पा रहे, एक मंच पर आ नहीं पा रहे, हो सकता है तो ये जितने भी जैसा भी गुलजार जी वगैरह इसमें हैं, तो गुलजार जी, तारा उषा किरण आत्राम जी, ऐसे आपकी जो फोरम्स हैं, अपना जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में ऐसे चिंतकों को बुला के एक वेबिनार हो जाए कि 2011 की जो इसमें अपने आप को कैसा दर्जा जाए या अपने समाज को क्या दर्शन दिया जाए, तो भाषा कैसा बचाया जाए, धर्म कैसा बचाया जाए, अपनी संस्कृति कैसा बचाया जाए, इसके बारे में हम अपनी बात रख सकते हैं और कुछ तो कुछ एक अच्छा काम होगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये सभी अगर क्लियर हो जाए, या ऐसा अभी जो अपने MPs हैं या सेंट्रल मिनिस्टर वगैरह हैं, तो अगर वो भी ऐसा कुछ वो चाहते हैं हर राज्य के अपने लोगों को, जैसे कि कुलस्ते साहब बता रहे थे कि हमें हर राज्य से कुछ ऐसे चिंतक लोग चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे यानी कि सांस्कृतिक चीज़ों के ऊपर काम करना है, तो मैंने कर्नाटक से कुछ लोगों के नाम उनको भेजा था, तो अगर वो भी लीड करते हैं तो वेबिनार से हो या कैसा भी हो, एक एकजुट की या एक निष्कर्ष वहाँ पर आई तो मेमोरेंडम के जरिए या अलग अलग हमारा जो ये है उसके ऊपर हमने प्रयास करके भारत सरकार को हमने ये बता सकते हैं। सॉरी ये दिक्कत हो रहा है। अगर आप सभी चाहेंगे तो जितना गोंडी डिक्शनरी की जो टीम है या धर्म कोड की जो टीम है, उन सभी को वेबिनार में जोड़ने की, एक तो आप प्रयास करें तो हम उसमें जुड़ेंगे, नहीं है तो अगर आप कहेंगे उनके सभी नेटवर्क हमें दे देंगे तो मैं ही उसको ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ यहाँ से, तो उसके जरिए हम 2-3 सीटिंग करके इसके ऊपर मेमोरेंडम वगैरह करके भी हम भारत सरकार को या सरकार से भेजने की भी हम प्रयास कर सकते हैं। तो आप सभी का भी एक ओपिनियन हमें चाहिए, ऐसा लगता है,
आज की परिस्थिति ऐसा है कि हम फिजिकली तो एक को एक के साथ एक नहीं जोड़ पाते, तो एटलीस्ट हमने आज की जो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको इस्तेमाल करते हुए ही हम कुछ कर पाते हैं। तो दो तीन सीटिंग हमने ऐसा करके सेंसस के पहले ही कुछ ना कुछ हम इसके ऊपर हम कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। सभी का सहयोग इसमें होनी चाहिए, तो आप सभी का सहयोग मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। और साथ ही साथ मुझे ये सभी कोरोना होने के बाद मैं और ऐसा चाहता हूँ कि जो डिक्शनरी की टीम है और विशेषतर ये गोंडी लिपि के बारे में जो सलामी जी काम किए हैं, मैं उनको ऐसा एक छोटा सा एक टीम को, जैसा बिरसा आतराम जी भी कह रहे थे कि हम कर्नाटक आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बहुत अच्छे विचार रखने वाले बहुत से लोग हैं हमारे साथ, तो उनका एक टीम जैसा रिसर्च टीम के जैसा वो हमारे यहाँ आएंगे और मैं उनको तमिलनाडु तक ले जाना चाह रहा हूँ। तमिलनाडु में ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं परखने की कोशिश करना है, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ से लोग आएंगे तो मुझसे अच्छी तरीके से परख के वो पता चला सकते हैं कि ये क्या है। बहुत आश्चर्य की चीज़ है कि तमिलनाडु में और कर्नाटक के चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में रावण को पूजा होती है, रावण की पूजा होती है। उनसे बहुत से लोगों के नाम रावण के नाम से है, जैसा एक नाम है तो वो उसके साथ रावण को जोड़ जाते हैं। और पूरा कर्नाटक के लोग वो डिस्ट्रिक्ट को जाने के लिए घबरते हैं, क्योंकि वो राक्षसों की डिस्ट्रिक्ट ऐसा बोलते हैं चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट को। और वहाँ की जो अधिदेवता है वो रावण है, रावण की पूजा होती है वहाँ पर। लंकेश्वर बोल के वहाँ पर एक जगह है, तमिलनाडु और कर्नाटक की बॉर्डर में आती है। बहुत पुराने अवशेष वहाँ पर मिले हैं और बृहद शिला संस्कृति के भी चीज़ें वहाँ पर मिले हैं। वहाँ पर रावण की त्यौहार होती है, वहाँ पर जो कुर्मन ट्राइब्स है वो रावण को अपना देवता बोल के मानती है। तो ये जो चीज़ें हैं रावण को लेते हुए मध्य भारत को जोड़ने की, और वो जो पालार नदी है कर्नाटक की कावेरी के तट पर, वो जगह को परखने की, और वहाँ पर जो रॉक पेंटिंग्स है तमिलनाडु में धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट सेलम डिस्ट्रिक्ट में बहुत कुछ रॉक पेंटिंग्स हैं, उसमें चित्रलिपियाँ हैं, तो उसको परखने के लिए मुझसे नहीं हो पाता, मैं देख के आया हूँ अभी। तो सलामी जी और ऐसी जो टीम है, वैसे एक टीम दो तीन दिन अगर वो समय दे दिए तो वहाँ पर हम उनको ले जाने की और उसमें क्या है उसको परखने की हम भी कोशिश करना है, एक हमने विचार रखा है। तो ये सभी कोरोना ख़त्म होने के बाद जितने भी चिंतकगण हैं पूरा भारत के अपने समाज के अलग अलग, जो होटल के मास्टर्स हैं, होटल के बारे में अच्छी तरीके से जाने हैं, वो सभी दक्षिण में आए। और यहाँ पर भी मुझे लगता है, मेरा एक तर्क है, वहाँ पर अपना कुछ तो कुछ है ऐसा मुझे लगता है, वो आप भी देखे तो क्या होता है, मुझे सपोर्ट ज़्यादा होता है और मैं बहुत अच्छी तरीके से वो चीज़ों को अपने समाज के सामने रख सकता हूँ। अभी मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पर बताता हूँ तो बहुत से लोग उसको सहमति नहीं दे पाते, नहीं ये तो आप अलग बता रहे हैं, हमने ऐसा नहीं सोचा, ऐसा बताएंगे। मैं एक हफ्ता ही पहले गोंडवाना घड़ी के बारे में यूट्यूब में देखा, बहुत अच्छा वो कवरेज किए हैं, एक चिंतन की बात है। वैसे ही बहुत से आश्चर्य की बात दक्षिण में है, दक्षिण भारत में, उन सभी को परखने के लिए एक टीम होना चाहिए, वैसा टीम हम जोड़ेंगे और आगे ऐसा एक समय आ जाए हम सभी मिलके उसको परखने की कोशिश करेंगे और पूरा विश्व को उसकी जानकारी देने की हम कोशिश करेंगे। और मैं दो तीन व्याख्यान मैंने नारवेन टेकाम जी के साथ बहुत अच्छी तरीके से अपना विचार रख रहे हैं, पूरा विश्व को जोड़ रहे हैं, ऐसी चीज़ें पूरा दक्षिण में भी आना चाहिए और अपने आप को उसमें सम्मिलित होने की बहुत ईजी से हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे विचार उसमें हैं, तो उस ढंग से हम अपने विचार रखने की कोशिश करना है। आगे आने वाले दिनों में हम वैसा ही सभी हम प्रयास करेंगे और आप सभी इसमें हिस्सा लिए हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें मैं क्या बोला, आप क्या प्रश्न
अगर पूछते हैं तो उसमें हम आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ये वन वे हो रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ कितना आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं मुझे मालूम नहीं हो रहा। तो हमने इसको वेबिनार के रूप से या अलग रूप से अगर हम कन्वर्जेशन किए तो अच्छी तरीके से होगा ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ऐसा जो एक अवसर आपने दिया गुण मनोदर्शन के माध्यम से मुझे बहुत अच्छा लगा। मैडम जी का मैंने बात सुना परसों में उषा किरणनाथ राम जी की, बहुत अच्छी तरीके से पूरा गोंडवाना की दर्शन उन्होंने करवाया, नर्मदा के बारे में बताए, बहुत कुछ विषय उन्होंने बताए हैं। ऐसे हर एक दिन चिंतकों को आप इसमें ला रहे हैं और अपना विचार प्रकट करने की जो समय दे रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये आगे आने वाले दिनों में हम और ज़्यादा हम इसमें हिस्सा ले लेंगे और जो एडवांस टेक्नोलॉजी हैं उसमें भी हम इसमें जाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है यूट्यूब इससे भी अच्छा होगा, यूट्यूब में अगर लाइव दे देंगे तो ज़्यादा असरदार होगा ऐसा मुझे लगता है। आगे आने वाले दिनों में ये सभी हम करेंगे। इतना ही मैं समय बता के आप सभी को धन्यवाद अर्पण करता हूँ। जय सेवा।